अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एक पायनियर अकाउंट बना सकते हैं फाइवर से पेमेंट विड्रॉ करने के लिए। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसको देखते हैं कि आप ये सारा कुछ किस तरह से करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल लिंक मैंने क्रिएट किया है। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके पायनियर के ऊपर साइन अप करेंगे तो आपको $25 मिलेंगे आपके अकाउंट के अंदर, जिनको आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वो लिंक मैं साथ अटैच कर दूंगा, जिस आपने उस पर क्लिक करना है और आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन लिखा हुआ है साइन अप एंड अर्न $25। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का स्क्रीन शो हो जाएगा और यहाँ पे हमने चूज़ करना है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे कह देता हूँ इंडिविजुअल, सिंपल गेटिंग पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और मार्केटप्लेस, ये वाला ऑप्शन करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ मल्टी स्टेप फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिखाने के पर्पज से डमी चीज़ें सारी ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है पायनियर अकाउंट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक डमी सा नेम चूज कर लूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एहसान, लेट्स से लाइक दैट, यहाँ पे भी एक डमी एहसान टेस्टिंग @gmail.com। आपने अपना ओरिजिनल ईमेल यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ मेक श्योर आप 18 ईयर। अगर आप 18 ईयर के नहीं हैं, आपका आईडी कार्ड नहीं है, तो तब आप पायनियर अकाउंट जो है वो अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे बनाएंगे, राइट। आपने अपने नाम पे नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आईडी कार्ड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज 1 January 1992। ओके, इसको मैंने ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे H9HS6 यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल किया और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस देना है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ G1 ब्लॉक लाहौर, और यहाँ पर मैं अगेन अपना सिटी का नाम लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटी का पोस्टल कोड, जिप कोड जिसे हम बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता आपके सिटी का पोस्टल कोड या जिप कोड क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सर्च कर सकते हैं लाहौर जिप। अब यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट जिप हैं, ये डिफरेंट एरिया वाइज हैं। अगर आपका शहर छोटा है तो आपको एक ही जिप मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपना एरिया सेलेक्ट करके उसका जिप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये ऐड कर देता हूँ 450। तो यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना एक फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने पासवर्ड्स और कुछ क्वेश्चन सेट करने हैं। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ और यहाँ पे अगेन एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। लेट्स से मेरा पेट नेम क्या है, मैं इसको कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डमी आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नेम लिखना है लोकल लैंग्वेज के अंदर। लेट्स से अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लोकल लैंग्वेज के अंदर किस तरह से आप ऐड करेंगे, आपने अपना नेम उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है। अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप इंडिया से, तो आप हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। उसको करने के लिए आप सिंपल गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर जाएंगे, अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे, वो आपको उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा। और आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर वो नाम लिख देना है। और मैं लेट्स सपोज यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, कुछ भी ऐड कर देना है आपने, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये 9SVDY इस तरह से कुछ सिलेक्ट करने के बाद, अभी यहाँ पे मैं जस्ट इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, तो
ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। आपने उर्दू में लिखना है, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से, तो हिंदी के अंदर या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है। अभी जस्ट मैंने टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश में ही वैसे ही टाइप कर दिया। तो हम इसको जैसे नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑलमोस्ट डन। और यहाँ पे आप जैसे ही ऑलमोस्ट डन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पायनियर का अकाउंट है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका जो पायनियर अकाउंट है वो अंडर रिव्यू है। और उसके बाद एक दो दिन के अंदर आपको अगेन एक ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल के अंदर क्या होगा, आपको वो बता देंगे कि आपका जो पायनियर अकाउंट है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, या फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर वो कहें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, लेट्स सपोज वो आपसे कहें कि अपना आईडी कार्ड सबमिट करवाएं, तो आप सिंपल आप अपना आईडी कार्ड सबमिट करवाएंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे pioneer.com, साइन इन के ऊपर जाके साइन इन करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करें। आपने सिंपल आईडी कार्ड की पिक्चर खींचनी और अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सिंपल सबमिट कर जा देना है। उसके बाद अगेन आपको ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका होगा। अब आपका अकाउंट कम्प्लीटली रेडी बन चुका होगा और उस अकाउंट को हम अटैच करेंगे फाइवर के साथ। अब उसको किस तरह से अटैच करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि पायनियर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।